गुड इवनिंग एवरी वन, गुड इवनिंग गाइज, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल एंड वेलकम बैक टू आइस क्यूब एजुकेशन प्लेटफॉर्म। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे सेशन में। माफी चाहती हूँ गाइज, आज की जो क्लास है वो आपकी रिशेड्यूल कर दी गई है और आज की क्लास में थोड़ा सा डिले हो गया बिकॉज आज मैं आउट ऑफ दिल्ली आई हुई हूँ और इसी वजह से जो क्लास है वो आपके शेड्यूल टाइम पर नहीं हो पाई। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा होता है ना। हाँ जी बिल्कुल, नवरात्रि चल रही है इसी वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, सो एक बार से बताएंगे आप सभी को ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है क्या, फिर शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। ठीक है, सब कुछ क्लियर है बताएंगे जल्दी से। हाँ जी, इज इट ऑडिबल एंड विजिबल, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे सब लोग। ठीक है, ओके एस्टेला गुड इवनिंग, प्रेडिक्शन अड्डा, और कौन जुड़े हैं, मास्टर जी जुड़े हैं, खुशी, चल ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हाँ जी करते हैं आगाज भाई आज के हमारे सेशन का। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, पहला क्वेश्चन देखिए। एक बार से ना सेशन के लिंक को शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ में ताकि सारे बच्चे हमारे साथ में कनेक्ट हो सके। ठीक है, हाँ जी फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किसकी स्मृति में 28 फरवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। हम सभी जानते हैं कि नेशनल साइंस डे जो है आपका वो कब सेलिब्रेट होता है, 28 फरवरी को। एक सेकंड, हेलो, जब मैं बार बार फोन डिस्कनेक्ट कर रही हूँ तो आपको समझ जाना चाहिए कि अभी मैं अटेंड नहीं कर सकती हूँ, अभी मैं क्लास में हूँ, तो प्लीज अभी आप बाद में फोन कीजिएगा। सॉरी, कुछ लोग इतने इरिटेट कर देते ना कसम से। मैं चार बार फोन डिस्कनेक्ट कर चुकी हूँ बट बार 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 हद है। हाँ भाई देखिए, 28 फरवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं, नेशनल साइंस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। सवाल में पूछा जा रहा है कि ये किसके नाम पर मनाया जाता है जो हम साइंस डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर बताएंगे भाई जल्दी से, यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका फॉर क्वेश्चन नंबर वन। ऑप्शन नंबर सी जो बच्चे आंसर कर रहे हैं बिल्कुल सही है, रमन प्रभाव। जो सीवी रमन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा तो उन्हीं का हैप्पी वाला बर्थडे 28 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है और इसी दिन जो है हम नेशनल साइंस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोगों को यहाँ से याद रखना है। इज इट क्लियर यार, मतलब हद हो चुकी है, मैं चार बार फोन डिस्कनेक्ट कर चुकी हूँ लेकिन एक होती ना शर्म किसी इंसान में, वो है ही नहीं। अब ना मैं सुना दूंगी, इस बार मैंने फोन उठा लिया तो कसम से। चलो भाई देखो, यस 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 ठीक है, ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा भाई, यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, आज लैपटॉप भी लग रहा है हैंग कर रहा है, कहीं ये हैंग ही ना हो जाए बस। हाँ भाई, स्टैनले कप किस खेल से संबंधित है। स्टैनले कप जो कि स्पोर्ट्स के साथ में जुड़ा हुआ है तो कौन से पर्टिकुलर स्पोर्ट में इसे दिया जाता है, बैडमिंटन में दिया जाता है, बास्केटबॉल में, गोल्फ में, या फिर ये आइस हॉकी के अंदर दिया जाता है। आंसर बताएंगे एस्टेला, सन्नी, अमरेश, यूपी का शेर, इंदु, इंदु भी आ गई है फूल पत्तियों के साथ में, आंसर करो जल्दी से। देखो जो स्टैनले कप है आपका ये दिया जाता है आइस हॉकी के अंदर, किसमें दिया जाता है, आइस हॉकी। और अभी जो लास्ट ईयर जो आइस हॉकी चैंपियनशिप हुई थी वो कहां पर आयोजित की गई थी, गुलमर्ग में उसे आयोजित किया गया था। कौन जीता था इसमें, आईटीबीपी जीता था, आईटीबीपी जीता था इसके अंदर। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है, क्लियर है क्वेश्चन सभी को। छोटी छोटी टर्म्स है ना आपसे दे दी जाती है कि ये किसके अंदर यूज की जाती है, कब पूछ लिया जाता है, ये किसमें दिया जाता है। जब हम यहाँ पर बैडमिंटन की बात करते हैं तो देखिए बैडमिंटन में दो कप दिए जाते हैं जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, एक होता है आपका यहाँ पे थॉमस कप, ये सिर्फ मेंस को दिया जाता है। थॉमस कप जो है, सॉरी सॉरी, हाँ सही तो है, थॉमस कप जो कि सिर्फ मेंस को दिया जाता है, और एक होता है उबर कप, उबर कप जो है वो सिर्फ और सिर्फ वोमेन्स को दिया जाता है। तो ये बैडमिंटन के क्षेत्र में हो गया आपका, है ना। तो इस प्रकार से टर्म्स दे दी जाती है, कप दे दिए जाते हैं कि किस खेल से जुड़े हुए हैं, तो ये आप लोगों को ना याद रखनी है एक एक करके सारी। ठीक है, नाउ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। हाँ एक और इम्पोर्टेंट चीज याद रखिएगा यहाँ पे, क्या है कि जो स्टैनले कप है ना वो किसके नाम पे रखा गया है। तो ये ट्रॉफी लॉर्ड स्टैनले के नाम पे रखी गई है, इन्हीं के नाम पे से नॉमिनेट किया गया। ये कौन थे, कैनेडा के उस टाइम पर गवर्नर जनरल हुआ करते थे, कैनेडा के अंदर ही आइस हॉकी क्लब की शुरुआत हुई थी और ये जो गेम है ये वहीं से स्टार्ट हुआ था,
है ना, वहीं से स्टार्ट हुआ था, जो कि अब कुछ दिन पहले इसका आयोजन जम्मू कश्मीर के अंदर भी किया गया था गुलमर्ग में, जिसको जीता था किसने, आईटीबीपी ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, नंदलाल बोस ने किस क्षेत्र में प्रसिद्धि पाई, यानी कि वो किस क्षेत्र में जाने जाते हैं, चित्रकला से जाने जाते हैं, लोक कला, नृत्य कला, या फिर ये राजनीति में फेमस है, मतलब एक पॉलिटिशियन रह चुके हैं ना, तो आंसर बताएं जल्दी से क्या होगा करेक्ट आंसर। नहीं, डेली का टाइम ये नहीं होगा, अपनी भावनाओं को जरा लगाम लगाएं, डेली का टाइमिंग 5 to 6 ही रहेगा, आज के लिए सिर्फ ये क्लास शिफ्ट की गई है माता रानी के कारण, ठीक है। बिल्कुल भाई, अष्टमी है कल और परसों नवमी है, तो अभी 3 दिन जो है ना, ये क्लासेस आपकी रात को 9 से 10 ही रहेंगी शायद, हाँ आई एम नॉट श्योर, मैं बता दूंगी आपको जो भी रहेगा। हाँ, 9 से 10 मोस्ट प्रोबेबली यही टाइम रहेगा अभी 3 दिन। अच्छा, ये वाला टाइम मस्त है, अरे वाह, चलिए बहुत अच्छी बात है। देखिए भाई, नंदलाल बोस की बात करते हैं तो ये जो है किसके साथ में जुड़े हुए हैं, ये चित्रकला के साथ में जुड़े हुए हैं, जो कि बिहार के रहने वाले हैं, बिहार के अंदर इनका जन्म होता है 1882 के अंदर। चित्रकला के क्षेत्र में इनका नाम काफी ज्यादा जुड़ा हुआ है, कुछ इनकी ऐसी फेमस चित्रकलाएं भी हैं जहां से एग्जाम में आता भी है सवाल, जैसे कि जो दांडी मार्च का चित्र है, दांडी मार्च इन्होंने बनाया हुआ है, दांडी मार्च का चित्र इन्होंने बनाया हुआ है। एक एक और है आपका यहाँ पर, सती का देह त्याग वाला जो है, सती का देह त्याग, ठीक है। तो ये जो चित्रकारियां हैं इनकी, वो किसने की हुई है, नंदलाल बोस ने की हुई है, ये ध्यान रखिएगा। सेशन को एक बार से लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे बिना किसी कंजूसी के, सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, और जो नए बच्चे हैं वो क्या करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे, ठीक है ना। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाँ जी, नेक्स्ट अभी यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, दफला और लैप्चा जनजातियां किस प्रदेश में पाई जाती हैं, ये क्या है, दोनों ट्राइब्स हैं, दफला और लैप्चा। अच्छा, ट्राइब्स वगैरह से भी बहुत क्वेश्चन आता है, अभी 2-3 दिन में मैंने काफी सारे ट्राइब्स के बारे में आपको पढ़ाया भी है, तो ना ट्राइब्स की मैं अलग से आप लोगों को एक सेशन कराऊंगी, वहां पर हम लोग करेंगे, लेकिन ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ना, ये ज्यादातर पूछे जाते हैं, ये आपके प्रैक्टिस सेट में बीच बीच में आते रहेंगे, तो इन्हें हम साथ के साथ कवर करेंगे। अब जैसे कि दफला और लेपचा, ये दोनों ट्राइब्स है, कहाँ पाई जाती दोनों ट्राइब्स, आंसर बताएं। प्रेडिक्शन अड्डा, आरोही एस्टला, यूपी का शेर, अमरेश नायक, सी आंसर कर रहे हैं सब बच्चे, बहुत अच्छा, सी अरुणाचल प्रदेश, करेक्ट है। तो ये वाली जो ट्राइब्स है वो पाई जाती है कहाँ पर, सबसे ज्यादा अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया में पाई जाती है, वैसे तो ये सिक्किम में भी पाई जाती है आपकी, और कंट्री की बात करते हैं तो ये भूटान के अंदर भी पाई जाती है, ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन यहाँ तक। डफला, तो ये जो प्रजातियां हैं डफला और लैप्चा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम वाले राज्यों के अंदर पाई जाती है, इज इट ओके, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। चलो अब देखो, बात यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश की है, तो कुछ स्टैटिक फैक्ट्स हम अरुणाचल प्रदेश के बारे में जानेंगे, ओके। यहाँ पर आपको दो दर्रे देखने को मिलते हैं, जिनका नाम क्या हो जाएगा, एक तो है देवफु दर्रा, एक है यहाँ पे बोमडिला दर्रा, बोमडिला, ये दोनों जो दर्रे हैं, पासेज हैं, ये अरुणाचल प्रदेश में मिलते हैं। अरुणाचल प्रदेश को राइजिंग स्टेट के नाम से जाना जाता है, उगते हुए सूरज का राज्य, जैसे कि उगते हुए सूरज का देश हम जापान को कहते हैं, वैसे ही स्टेट कौन सा हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। यहाँ के सीएम प्रेजेंट टाइम पे कौन है, पेमा खांडू जी हैं, ओके। गवर्नर की बात करते हैं तो गवर्नर कौन हो जाएंगे अरुणाचल प्रदेश के अंदर, बीडी मिश्रा, राइट, बीडी मिश्रा, ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट, हाँ, भारत का जो सबसे पूर्वोत्तर वाला जो राज्य है वो अरुणाचल प्रदेश को ही कहा जाता है, सबसे पूर्वोत्तर वाला जो राज्य है वो बिल्कुल इसी को कहा जाता है, अरुणाचल प्रदेश को ही कहा जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे अगले सवाल की, हाँ जी, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, सिंहभूम जो कि झारखंड के अंदर है, यह किस चीज के लिए फेमस है, यह आज मॉर्निंग वाले क्लास में भी मैंने आपको कराया था, तो आंसर बताएंगे जल्दी से इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सिंहभूम झारखंड किस लिए फेमस है, करेक्ट आंसर क्या है। हाँ जी, वीडियो सही है ना, आज की वीडियो साफ दिखाई दे रही है ना, परेशान हो गई हूँ आज इस फोन से, कसम से आज ना मैं सुना दूंगी बस किसी को, हेलो
अरे भैया मैं मीटिंग में हूँ, ऑफिस में हूँ, प्लीज बार बार कॉल मत कीजिए आप मुझे, मैं अभी नहीं बात कर सकती हूँ, कितना भी अर्जेंट हो प्लीज। तो कैंसिल कर दो आप उसको, मुझे नहीं चाहिए। हद होती है किसी चीज की। चलो भाई ठीक है, देखिए सॉरी गाइस सॉरी, एक्चुअली मैं क्लास के टाइम पर कभी भी फोन नहीं उठाती हूँ, बट लिटरली बहुत ज्यादा कॉल्स कॉल्स आ रही, मैं काम करती हूँ फ्लाइट मोड पे फोन को डाल देती हूँ, तो मुझे आप लोग के कमेंट्स नहीं दिखाई देंगे। अच्छा वाईफाई चल रहा है, उसको ऑन कर सकती हूँ मैं, ठीक है। हाँ ये मैंने फ्लाइट मोड पर डाल दिया फोन, ऐसे तैसे अभी के। चलो देखो, सिंहभूम झारखंड जो है वो किस चीज के लिए फेमस है? तो बेसिकली यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा आपको क्या देखने को मिलता है, कोयला देखने को मिलता है। कोयले का जो प्रोडक्शन है वो सबसे ज्यादा कहाँ पर, झारखंड, सॉरी सॉरी कोयला नहीं, लोहा। सिंहभूम की बात चल रही है, सिंहभूम के अंदर क्या सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो लोहा है जो कि यहाँ पे सबसे ज्यादा पाया जाता है। ओके करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे लो अयस्क जो है वो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, वैसे झारखंड के अंदर ही आपको कोयला भी बहुत मिलता है, लेकिन अब जो है कोयले के मामले में जो टॉप पे स्टेट आपका आ चुका है वो कौन सा हो जाएगा, छत्तीसगढ़ होगा। ठीक है लो अयस्क की बात करते हैं, जो पूरे ऑल ओवर स्टेट आपसे पूछा जाए कि कौन सा वो पर्टिकुलर स्टेट है जहाँ पे लोहे का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा। स्टील की बात करते हैं, स्टील का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जो है ये कहाँ पर, चिरकुट चाइना के अंदर किया जाता है भाई, वर्ल्ड लेवल पे बात कर रही है, ये पूछा जाता है आपका। एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा कहाँ होता है, ओडिशा के अंदर होता है। तांबा सबसे ज्यादा कहाँ होता है, एमपी के अंदर होता है, और ये मैंने आपको बता ही दिया कोयला सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ के अंदर होता है। ठीक है अब्रक सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, ये आंध्र प्रदेश के अंदर होता है। और अभी और कुछ बच गया है क्या, चांदी राजस्थान के उदयपुर में होती है, सोना कहाँ पर होता है, तो कर्नाटक के कोलार डिस्ट्रिक्ट में होता है। ठीक है हाँ जी यहाँ तक सारे पॉइंट्स क्लियर है। अच्छा पाइराइट बताओ मुझे, पाइराइट का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन ये कहाँ किया जाता है, तो ये भी आपका झारखंड के अंदर ही किया जाता है, जिसे कि हम क्या कहते हैं, मूर्खों का सोना कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो है ना लोहे की मात्रा ज्यादा होती है। ओके चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्स, सेशन को प्लीज लाइक एंड शेयर कर देंगे, कोई भी बच्चा क्लास को बीच में छोड़कर नहीं जाएगा। ठीक है कोई भी बच्चा क्लास को बीच में छोड़कर नहीं जाएगा। नाउ नेक्स्ट, तंबाकू के उत्पादन में भारत का पूरे विश्व में कौन सा स्थान है? जब हम तंबाकू की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा इसका जो प्रोडक्शन है वो कौन सी पर्टिकुलर कंट्री के अंदर किया जाता है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सबसे ज्यादा जो है वो कहाँ होता है, चिरकुट चाइना में होता है मैक्सिमम प्रोडक्शन इसका। इंडिया कौन से नंबर पे आता है, तो इंडिया इस लिस्ट में दूसरे नंबर पे आता है, सेकंड नंबर पे आता है आपका यहाँ पर क्या, इंडिया। ठीक है अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है ना थोड़ा सा, एक्चुअली आज ना थोड़ा सा अरेंजमेंट नहीं हो पाया है क्योंकि मैं जस्ट जो है यहाँ पर आज थोड़ी सी इमरजेंसी हो गई थी ना, इसीलिए आपकी क्लास पर शेड्यूल हुई है, तो कल से लाइटिंग वाइटिंग का प्रबंध कर देंगे आपके लिए अच्छे से। ओके आज आज के लिए मैनेज कर लो बस थोड़ा सा। हाँ जी ओके 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 सबका गलत हो गया। हाँ भाई तुम ध्यान से नहीं कर रहे हो क्वेश्चंस को। तंबाकू रिसर्च सेंटर पूछा जाए अगर आपसे, तंबाकू रिसर्च सेंटर ये आपको कहाँ मिलता है, राजमुंदरी में मिलता है। कहाँ पे, राजमुंदरी में। ड्रग रिसर्च सेंटर पूछा जाए तो ये कहाँ मिलता है आपको, ये मिलेगा लखनऊ के अंदर। ये भी पॉइंट्स रहेंगे आपके यहाँ पर इम्पोर्टेंट। ठीक है अच्छा वॉइस क्लियर है ना सभी को, एस्टेला आरोही प्रेडिक्शन अड्डा मुझे एक बार से बताएंगे वॉइस ठीक आ रही है, वॉइस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, क्योंकि आज मुझे ऐसा लग रहा है ना कि थोड़ा सा गूंज रही है वॉइस। चलो भाई नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी नदी है जिसका ओरिजिन इंडिया के अंदर नहीं होता है, तो इनमें से बताना है कि कौन सी ऐसी रिवर है जिसका ओरिजिन इंडिया से नहीं होता, ब्यास चिनाब रावी या फिर सतलज रिवर है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताएंगे जल्दी से यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या है, व्यास चिनाब रावी सतलज। हाँ जी सब ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है सब ठीक है। तो आज क्लास में बच्चे कम क्यों हैं? हाँ भाई क्यों हैं आज बच्चे कम, एक बार से ना ग्रुप में मैसेज करो, एक सेकंड रुक जाओ। बच्चे बोलते मैडम ग्रुप में आपने बताया नहीं क्लास चल रही है इस टाइम पे,
इसीलिए मैं एक बार ग्रुप में शेयर कर देती हूँ, जो व्हाट्सएप ग्रुप हमने बनाया ना, जहाँ पर आप सभी जुड़े हुए, एक बार शेयर कर देती हूँ। चलो ठीक है। हाँ जी ओके। सो पूछा जा रहा है कि कौन सी ऐसी रिवर है जिसका ओरिजिन जो है वो इंडिया के अंदर नहीं होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? अरे आप लोग के कमेंट से गायब हो गए हैं यहाँ पे, क्या हो गया भाई? हाँ आ गए, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। चलो प्रेडिक्शन अड्डा का आंसर ये बिल्कुल सही है, यहाँ पे सतलज। सतलज रिवर की बात करते तो इसका जो ओरिजिन होता है वो इंडिया से नहीं होता है, ठीक है, बल्कि कहाँ से होता है? मानसरोवर के पास में जो राक्षस ताल झील है, मानसरोवर के पास में, यानी कि जो तिब्बत वाला एरिया है जो कि अब चाइना के अंडर में आता है, तो उसी के पास से ये वाली नदी है जो कि निकलती है। बाकी व्यास, चिनाब, रावी, ये सारी नदियां, इनका ओरिजिन इंडिया से ही होता है। और ये चारों की चारों नदियां जो है ये ट्रिब्यूटरी है किसकी? इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी है। ये सभी सिंधु नदी की ट्रिब्यूटरीज हैं, उनकी सहायक नदियां। और जो सिंधु नदी है ये कौन सी कंट्री की नेशनल रिवर कही जाती है? तो ये जो नल्ला पाकिस्तान है, चिरकुट पाकिस्तान, इसकी नेशनल रिवर कही जाती है। इसी प्रकार से श्रीलंका की नेशनल रिवर किसे कहा जाता है? तो ये महावेली गंगा को कहा जाता है, ठीक है, महावेली गंगा। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जा चुके हैं आपके पहले भी, राइट। अब मुझे बताएंगे जो सिंधु जल समझौता हुआ था वो कब हुआ था? सिंधु जल समझौता कब हुआ था? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1960 में। इसमें जो पानी है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो डिवाइड किया जाता है वो रेशियो कौन सा था? 80:20, ये वाला पार्ट मिला था इंडिया को और बाकी ये वाला पार्ट मिला था पाकिस्तान को। तो इंडिया जो है, इंडिया में कौन कौन सी नदियों का पानी यूज होता है? जो इंडस की ट्रिब्यूटरीज है उनमें से कौन कौन सा पानी यूज होता है? तो यहाँ पे व्यास, रावी और सतलज है, इनका पानी इंडिया यूज करता है। बाकी चेनाब, चेनाब हो गया आपका, जैसे कि चेनाब नदी है, झेलम नदी है आपकी, और इसी के साथ में याद रखिएगा सिंधु नदी है। इन तीनों नदियों का पानी पाकिस्तान यूज करता है। ये पूछा जाता है सवाल आपसे एग्जाम में, सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था, दोनों देशों के बीच में जो नदियां हैं उनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनका पानी डिवाइड किया गया था, तो कौन सी नदियों का पानी जो है वो इंडिया यूज करता है? तो व्यास, रावी और सतलज है। पाकिस्तान कौन से रिवर का पानी यूज करता है? चेनाब, झेलम और सतलज, सिंधु हो जाएगा। इज इट ओके? चलो बहुत अच्छा। नेट खत्म हो गया कुछ बच्चों का, भाई बचा के रखो, आप 2-3 दिन ना रात की क्लास के लिए आप लोगों को नेट बचा के रखना होगा। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है? बायोलॉजिकल डेजर्ट कहा जाता है, ठीक है। कौन सी ऐसी नदी है जिसे कि बायोलॉजिकल डेजर्ट के नाम से जाना जाता है? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी जो है आपको ऐसी प्रजातियां मिलती है इस रिवर के अंदर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ओके ठीक है, बिल्कुल। जिन बच्चों का आंसर ए है यहाँ पे, इंदु का आंसर ठीक है, प्रोडक्शन अड्डा आरोही बिल्कुल सही आंसर, करेक्ट है, दामोदर नदी। दामोदर नदी की जब हम बात करते हैं तो ये कौन से स्टेट के अंदर जाते हुए, कौन से स्टेट के अंदर बहती है? तो ये एक तो आपका झारखंड के अंदर बहती है और दूसरा वेस्ट बंगाल में भी बहती है। यहीं पर आपने सुना होगा दामोदर घाटी परियोजना जो बनी हुई है, दामोदर घाटी परियोजना इनकी प्रोजेक्ट। ये कैसा प्रोजेक्ट है? ये एक पन बिजली प्रोजेक्ट है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, यानी कि पानी से बिजली बनाने का काम किया जाता है इसी प्रोजेक्ट के तहत। तो ये जो है आपको दो स्टेट के अंदर मिलता है, वेस्ट बंगाल और झारखंड के अंदर मिलता है, ठीक है। अच्छा, ये जो रिवर है इसका ओरिजिन अगर आपसे पूछा जाए ये कहाँ से होता है? झारखंड के अंदर जो छोटा नागपुर पठार है वहां से इसका ओरिजिन होता है, छोटा नागपुर पठार से ओरिजिन होता है। सारे पॉइंट्स क्लियर है तो मुझे बता दीजिएगा, फिर वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके हाँ जी, सारे पॉइंट्स क्लियर हैं आप लोगों को? ओके आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पे देखो क्या है। हाँ जी, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले? अब 90% बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर गलत करेंगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर जिसने सही किया हम उसे चाणक्य की उपाधि से सम्मानित करेंगे, लेकिन सबसे पहले और सही आंसर करना होगा। अब बताएं जल्दी से। गुड इवनिंग अर्जुन सक्सेना, वेरी गुड इवनिंग। अभी तक आंसर आया नहीं है यहाँ पे, ठीक
ठीक है, सन्नी लाठर का आंसर आया है यहाँ पे सबसे पहले और बिल्कुल सही आया, सन्नी लाठर। तो आज की ये चाणक्य के बाद है, सन्नी आपको दी जा रही है। मेहरगढ़, ठीक है, मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ नाम की जो जगह है, जो कि आज के टाइम पर आप देखोगे तो ये आपको कहाँ मिलती है, पाकिस्तान के अंदर मिलती है। ठीक है, आज के टाइम पर ये कहाँ मिलती है, पाकिस्तान के अंदर मिलती है। जो बलूचिस्तान वाला एरिया है ना पाकिस्तान में, वहीं पर ये जगह है। सबसे पहले कृषि के जो साक्ष्य हैं वो यहीं पर पाए जाते हैं। लेकिन जब हम इंडिया की बात करते हैं तो ये कहाँ पर पाए गए थे, कालीबंगा में। ये जो जगह आपको राजस्थान में मिलती है, इसको क्या कहा जाता है, काले रंग की चूड़िया कहा जाता है। यहाँ पर आपको ऊंटों की हड्डियों के प्रमाण भी मिले थे और यहीं से कृषि के प्रमाण भी मिले थे, जुते हुए खेत के प्रमाण। तो ये दोनों चीजें याद रखिएगा। लोथल की बात करते हैं तो ये जो है ओल्डेस्ट पोर्ट के रूप में जाना जाता है। कौन सी पर्टिकुलर स्टेट में है, तो ये मिलता है आपको गुजरात के अंदर। राइट, कहाँ मिलेगा ये, आपको मिलेगा गुजरात के अंदर। आई होप दीज ऑल पॉइंट्स आर क्लियर टू एवरीवन। पूछ लेना कहीं पर कोई भी डाउट हो तो आपको, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हड़प्पा साइट। कौन सा है जो इनमें से हड़प्पा साइट के रूप में नहीं जाना जाता। चन्नूदड़ो तो हड़प्पा साइट है भाई, ऑप्शन नंबर ए एलिमिनेट कर दो सबसे पहले। सोहवरा पता नहीं, दैसलपुर ये भी हड़प्पा की साइट है, कोट दीजिए ये भी हड़प्पा की साइट है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर सोहगोरा हो जाएगा। सोहगोरा जो है ये हड़प्पा की कोई साइट नहीं है, तो फिर क्या है, ये यूपी के अंदर है, जो गोरखपुर नाम की जगह है ना वहां पर है सोहगोरा। एक प्राचीन लेक है, बेसिकली यूपी के अंदर एक बहुत ही प्राचीन लेक है, लिखा हुआ है और बोला जाता है कि ताम्रपट पर इसको लिखा हुआ है। तो बस इतना याद रखिएगा कि यूपी के अंदर है सोहगोरा नामक जगह पर ही एक लेख लिखा हुआ है, सोहगोरा नामक जगह पे, उससे रिलेटेड है। बाकी ये तीनों जो जगह आप देख रहे हो यहाँ पर, ये हड़प्पा सभ्यता की जगह है। ठीक है, क्लियर है सभी को क्वेश्चन यहाँ तक। हाँ जी, किसी को कोई डाउट। मैम ऐप पर आज क्लास नहीं हुई, कौन सी ऐप पर क्लास नहीं हुई, आज ऐप पर कौन सी क्लास होनी थी भाई आपकी, आज तो किसी ऐप पर कोई क्लास नहीं थी आज। ठीक है, आज के जितने भी शेड्यूल्ड क्लासेस थे वो सारी मैंने टाइम से लिए, बस ये जो क्लास आपकी आज वो शिफ्ट हो गई है, उसका रीजन यही था कि मुझे आउट ऑफ दिल्ली आना पड़ा। ठीक है, दैट्स व्हाई। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, मंडे से आपका जो जो टाइमिंग है उसी टाइमिंग में क्लासेस रहेंगी मंडे से। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था। वर्ल्ड्स फर्स्ट रिपब्लिक वैशाली वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय हूम। हाँ जी, पहला गणतंत्र वैशाली है, एक तो ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, इसको जब एस्टेब्लिश किया जाता है तो किसके किसके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था। लिच्छवियों के द्वारा इसे बनाया गया था। किसके द्वारा, लिच्छवियों के द्वारा। तो ये जो गणराज्य है उस टाइम का सबसे पावरफुल जो गणराज्य, इसी को माना जाता था, है ना। तो वैशाली के अंदर इसकी जो स्थापना है वो लिच्छवियों के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा, लिच्छवियों के द्वारा की जाती है। इसकी जो राजधानी थी वो वैशाली थी। लिच्छवियों की जो राजधानी थी वो क्या थी, वैशाली थी। ठीक है, बस इतनी चीजें याद रखिएगा, यहां से कुछ खास नहीं आने वाला। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, मुमताज महल का असली नाम क्या था। व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ मुमताज महल। मुमताज महल का जो रियल नेम था वो क्या था। ये क्वेश्चन मैं करा चुकी हूँ आप लोगों क्लास के अंदर। शालिनी सिंह गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। ये क्वेश्चन क्लास के अंदर हो चुका है, सो आई होप कि कोई भी बच्चा इसका आंसर गलत नहीं करेगा और सेशन को कोई भी क्लास को कोई भी बीच में छोड़कर नहीं जाएगा। सभी लोग एक बार से सेशन को लाइक एंड शेयर भी कर देंगे। ठीक है, देखो मुमताज महल को किस नाम से जाना जाता था। अर्जुमन बानो बेगम के नाम से जाना जाता था। यह शाहजहां की सबसे फेवरेट वाली बीवी थी। शाहजहां की फेवरेट वाली बीवी थी ये। इन्हीं के नाम से तो बना था जो आपका जो ताजमहल बनाया हुआ है। ओके, बिल्कुल इन्हीं के याद में ताजमहल इन्होंने बनाया था। अच्छा, यहाँ पर कौन कौन सी चीजें पूछी जाती। सबसे पहले चीज, इनकी डेथ कब होती है। 1631 में, 1631 में इनकी डेथ हुई थी। इनकी एक बेटी भी थी जिनका नाम था गोहर खान। जिनका नाम क्या था, गोहर खान नाम था। ओके, क्लियर है सबको। हाँ जी, हाँ, युद्ध याद रखिएगा, एक युद्ध होता है एमपी के अंदर, इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, जो युद्ध है आपका बुरहानपुर का युद्ध कहा जाता है उसको। बुरहानपुर का युद्ध कहा जाता है उसको। एमपी के अंदर होता है ये युद्ध और वहीं पर जो है इस युद्ध के अंदर इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है,
तो ये चीजें आपको याद रखनी है. ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. देखिए, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? टीपू सुल्तान की डेथ हो जाती है, कौन से वाले वॉर था वो, कौन सा वॉर था वो, कौन सा ईयर था, दोनों चीजें बताएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा. टीपू सुल्तान जो कि किसका पुत्र था? हैदर अली का पुत्र था. किसका? हैदर अली का पुत्र था. और इन्हीं को जो है मैसूर टाइगर के नाम से भी जाना जाता था. इनको एक उपाधि दी गई थी. किसकी? मैसूर टाइगर की उपाधि दी जाती है. तो होता क्या है, एक युद्ध होता है जो कि 1799 के अंदर हुआ था, अंग्रेजों के साथ इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ ही युद्ध हुआ था. तो इससे युद्ध में इनकी हार हो जाती है और ये जो है इनकी डेथ हो जाती है. ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन सभी को? हाँ जी बिल्कुल. तो यानी कि जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, 1799 के अंदर इनकी डेथ हो गई. ठीक है, क्लियर है सबको? चलो नेक्स्ट नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर. देखिए, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब होती है? When was the National Council of Education established? ये क्या है? National Council of Education है जो कि एजुकेशन को लेकर के काम करने वाली एक काउंसिल की स्थापना की जाती है 1906 के अंदर. कहां पर की गई थी? बंगाल में की जाती है. आंसर तो हम बता ही दिए हैं इसका. बंगाल के अंदर की जाती है इसकी स्थापना. इसका पर्पज क्या था? इसका पर्पज ये था कि स्वदेशी आंदोलन के रूप में, है ना, स्वदेशी आंदोलन के रूप में साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना है. मतलब साइंस और टेक्नोलॉजी प्रमोट हो, उन चीजों में विकास हो, डेवलपमेंट के काम हो, लेकिन इंडिया के अंदर ही, इंडिया की हेल्प से, इंडिया की प्रोडक्ट्स यूज करके. ठीक है, उस टाइम पर मेक इन इंडिया पहल तो नहीं थी, बट अगर आज कोई भी चीज इस प्रकार से होती है तो वो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत ही उसे स्टार्ट किया जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज 1906, 15 ऑफ अगस्त को नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एस्टेब्लिश किया जाता है. क्लियर है? इंदु, इंदु डी आंसर करेक्ट है. ठीक है, ओके. शिवम, आरोही, सन्नी, खुशी, शालिनी, सब लोग अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा. चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की. सॉरी आंसर दिख गया तुम लोगों को ना. भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था? चलो ये क्वेश्चन तो वैसे भी आप सभी जानते ही हैं. जब भी हम राष्ट्रीय ध्वज की बात करते हैं तो इसे स्वीकार कब कर लिया जाता है? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था. पहली बार तिरंगा झंडा कब फहराया जाता है? तो ये 1906 में फहराया गया था कलकत्ता अधिवेशन में. ठीक है, अच्छा, पहली बार किसी बाहर के देश में किसमें फहराया था? जर्मनी में. ये किसने फहराया था? तो भिकाजी कामा का नाम ध्यान रखिएगा, भिकाजी कामा ने इसको फहराया था. अच्छा, तो प्रेजेंट टाइम पे जो झंडा आप देख रहे हैं इसको डिजाइन किसने किया हुआ है? पिंगली वेंकैया ने इसको डिजाइन किया है, राइट. अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए झंडा समिति जो आती है आपकी, इसको हेड किसने किया था? जो झंडा समिति के अध्यक्ष थे वो कौन थे भाई? करेक्ट आंसर बताएंगे जल्दी से क्या हो जाएगा. झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? विच इज योर करेक्ट आंसर, विच इज योर करेक्ट आंसर, झंडा समिति. चलो तब तक हम अगले क्वेश्चन भी बढ़ते हैं और इसका आंसर आप लोगों को करना है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट. आज लग रहा है तो कसम से मेरी तबीयत डाउन होने वाली है. हाँ भाई, नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16. अगर मैं कल क्लास नहीं लेती तो समझ जाना कि मैडम तो गई काम से. ठीक है, समझ जाना कि मैं गई काम से. ओके, आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 16 पे. भारतीय संविधान की जो 10वीं अनुसूची है उसका संबंध किससे है? देखिए, जब भी हम बात करते हैं शेड्यूल्स की, अनुसूचियों की, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कितनी अनुसूचियां दी हुई है? ये 12 अनुसूचियां दी हुई है. ठीक है, जो 10वीं अनुसूची इसके बारे में पूछा जा रहा है तो ध्यान से सुनेंगे. जो 10वीं अनुसूची है वो दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है. भूमि सुधार ये 9वीं अनुसूची में आता है. पंचायती राज ये 11वीं अनुसूची में आता है. और 12वीं अनुसूची में क्या आता है? म्युनिसिपैलिटी आता है, नगर पालिका. क्या आता है? नगर पालिका. ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए भाई. क्लियर है क्वेश्चन यहां तक सबको? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 17. संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? जब भी हम बात करते हैं शेड्यूल 6 के बारे में तो इसके अंदर कुछ स्टेट आते हैं. ठीक है,
शेड्यूल सिक्स की बात करते हैं, छठी अनुसूची की बात करते हैं, तो इसके अंदर कितने स्टेट आते हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, चार स्टेट आते हैं आपके। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर यानी कि क्या हो जाएगा, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, ये नहीं है मणिपुर, इसकी जगह पे कौन सा है, मिजोरम है। इज इट ओके? ये चार ऐसे स्टेट है जो कि छठी अनुसूची में आते हैं, और इनको इन अनुसूचियों में क्यों डाला गया है, तो सिक्स शेड्यूल के अंदर उन स्टेट्स को डाला गया है जिनको कुछ स्पेशल राइट्स दिए जाने हैं, जहां पर ट्राइब्स, जितने भी ट्राइबल ज्यादातर लोग रहते हैं, उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए क्या किया गया, शेड्यूल सिक्स के अंदर कुछ स्टेट डाले गए थे। ओके अच्छा, इनसे रिलेटेड आर्टिकल भी तो दिया हुआ है, आर्टिकल 244(2) है और आपका 275(1) है। ये दो आर्टिकल याद रखिएगा, इन्हीं आर्टिकल्स के तहत इन्हें कुछ स्पेशल राइट्स हैं जो कि यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं। इज इट ओके? अच्छा, तो जब हमारी अनुसूची ये बनाई जाती है, सिक्स शेड्यूल जब बनाया गया था, इसे पारित किया गया था, तो उस टाइम पर वो ईयर कौन सा था, एक्ट कौन सा लाया गया, 1949 था। एक्ट कौन सा था, ईयर कौन सा था, 1949 था। इज इट ओके? समिति कौन सी थी, बारदोलोई समिति थी, बारदोलोई समिति थी। और जब हम बात करते हैं बारदोलोई के बारे में, तो गोपीनाथ बारदोलोई हैं जो कि असम के फाउंडर कहे जाते हैं, और असम के अंदर ये फर्स्ट सीएम के रूप में भी काम कर चुके हैं, फर्स्ट सीएम के रूप में काम कर चुके हैं। ठीक है, क्लियर है भाई यहां तक सारे पॉइंट्स? चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 18, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, इंटरनेशनल डे ऑफ डिसेबिलिटीज जो है ये आपका कब सेलिब्रेट किया जाता है, अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस जो है ये कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर, 3 दिसंबर, 24 अक्टूबर या फिर 19 नवंबर को सेलिब्रेट होता है, क्या लगता है करेक्ट आंसर बताएंगे जल्दी से। इंदु कह रही है सी होगा, और बाकी बाकी किसी को कुछ नहीं कहना है, ओके चलो बी आंसर आया है, शादी का भी सी आया है, प्रोडिक्शन का आंसर भी है। देखो जब हम बात करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ डिसेबिलिटीज के बारे में, तो ये सेलिब्रेट किया जाता है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, 1992 से ही जो है इसको स्टार्ट किया गया था, इसका अनाउंसमेंट किया जाता है। ओके और कौन सा दिन डिसाइड हुआ था, यहाँ पे 3 दिसंबर का जो डे है वो डिसाइड हुआ था, हर साल 3 दिसंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ डिसेबिलिटीज जो है वो आपका सेलिब्रेट किया जाता है। इज इट ओके? क्लियर है क्वेश्चन? आवाज कट के आ रही है यार, आज आवाज का इश्यू हो गया है क्या? वीडियो तो थोड़ी सी सही लग रही है, आवाज कट के आ रही है भाई, आज आज के लिए प्लीज एडजस्ट कर लो, कल से प्रॉब्लम नहीं होगी, कल से मैं ना पूरी सेटिंग करके रखूंगी पहले से, आज तो सब अचानक से हो गया इसीलिए मैं कुछ सेटिंग कर नहीं पाई, बट कल आप लोगों को सब प्रिपेयर मिलेगा। ठीक है ओके। हाँ जी, तो यूनाइटेड नेशंस की एक संस्था है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, उसी के द्वारा इसको सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में कौन सा द्वीप भारत में श्रीलंका के मध्य है, मतलब कि एक ऐसा आइलैंड जो कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में लोकेटेड है, उस आइलैंड का नाम आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा हो जाएगा, एलिफेंटा है, निकोबार है, रामेश्वरम है या फिर सालसेट आइलैंड है। वेरी इजी क्वेश्चन, आसानी से आप लोग आंसर कर देंगे, क्या आंसर किया है, सी सालसेट, किसने आंसर किया, सन्नी डेली क्लास में आते हो फिर भी क्वेश्चन गलत करते हो, पिटने के काम कर रहे हो तुम लोग। देखो सेलसेट आइलैंड मुंबई से के ऊपर लोकेटेड है, तो ये आपको कहाँ मिलता है, महाराष्ट्र वाले एरिया से लगते हुए मिलता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लेकिन हम बात कर रहे हैं कहाँ पर, इंडिया और श्रीलंका के बीच में। अच्छा, इंडिया वाला जो हिस्सा ये रहा, श्रीलंका आपको नीचे ये रहा, तो यानी कि यहाँ पर, यहाँ पर मिलेगा आपको ये, और यहाँ पर ये जो जगह मिलती है वो कौन सी है, रामेश्वरम है। ये कौन सी, रामेश्वरम, एपीजे अब्दुल कलाम जो थे वो यहीं के रहने वाले थे। ठीक है, रामेश्वरम, तो दोनों के बीच में आपको ये वाला आइलैंड मिलता है। इंडिया और श्रीलंका कौन से वाले स्ट्रेट से अलग होते हैं, इन दोनों के बीच में ये पानी वाला क्षेत्र मिलता है, किससे अलग होते हैं दोनों, तो पाक स्ट्रेट से अलग होते हैं, पाक स्ट्रेट, पाक जल संधि जो है वो इन दोनों को अलग करती है और बे ऑफ बंगाल को मन्नार की खाड़ी से जोड़ने का काम करती है। I hope these all points are clear to everyone. सारे पॉइंट्स क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, एक सेकेंड,
हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, सिर दरिया और आमू दरिया ये दोनों क्या है? रिवर है, दोनों नदियां हैं, कहां पर गिर दिया? भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं, सो मेरी कोई गलती नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। सिर दरिया और आमू दरिया नदियां कहां पर गिरती हैं ये पूछा जा रहा है। कैस्पियन सागर में, ब्लैक सी में, बाल्टिक सी में, या फिर अरेल सी के अंदर गिरती? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? किसी को नहीं पता इसका आंसर। 10 में से 4 क्वेश्चन तो गलत हो गए मैम, मैंने क्वेश्चन तो 20 करवाए हैं, आपने 10 ही अटेंड किए हैं। उफ, ओके ओके, चलिए ध्यान से सुनेंगे। ये दोनों रिवर पूछा जा रहा है कि कहां पर गिरती है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अरल सागर। ये जो दोनों रिवर हैं ये कहां पर गिरती है जाकर के? अरल सागर में जाकर गिरती है। आमू दरिया और सिर दरिया एशिया की ये दोनों नदियां हैं, एशिया के अंदर ही बहती हैं, ठीक है। जो आमू दरिया नदी की बात करते हैं तो ये जो है मुख्य रूप से कहां बहती है? अफगानिस्तान वाला एरिया है, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, यानी कि स्तान वाली जितनी भी कंट्रीज हैं वहां पे आमू दरिया नदी बहती है, और इन्हीं में से स्तान वाली जो कंट्रियाज हैं उन्हीं में सिर दरिया नदी दोनों बहती है, और दोनों जाकर के अरल सागर में गिर जाती है, ठीक है, क्लियर है। दोनों ही नदियां इंडिया के अंदर नहीं बहती है, ये ध्यान रखिएगा। इंडिया में बहती तो अभी तक हम इसके बारे में काफी बार पढ़ चुके होते हैं। ओके नेक्स्ट नेक्स्ट अभी क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। बोमडिला दर्रा, अभी पीछे मैंने बता दिया है कि बोमडिला दर्रा जो है ये आपको कौन से पर्टिकुलर स्टेट के अंदर मिलता है। अब जिसने क्वेश्चन ही गलत किया उसे हम देंगे चिरकुट की उपाधि। चलिए आंसर बताएं जल्दी से। हाँ जी ओके, ऑप्शन ए इंदु का आंसर आया है, ठीक है। शालिनी इतना नहीं बहना है, ठीक है। मिस्टर चैन का आंसर ए है, सन्नी का भी आंसर ए है, इंदु का भी आंसर ए है, करेक्ट है, अरुणाचल प्रदेश, बिल्कुल सही है। तो मैंने दो दर्रे आप लोगों को बताए थे जो कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर मिलते हैं, आपको कौन कौन से दो दर्रे हो जाएंगे? एक तो हो जाएगा दीफू दर्रा, ठीक है, और एक आपको मिलता है यहीं पे बोमडिला दर्रा। तो ये दोनों जो पासेस हैं ये कहाँ मिलते हैं? अरुणाचल प्रदेश के अंदर मिलते हैं। ओके अच्छा, यहीं पर एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, कौन सा है? पक्के पागा फेस्टिवल है, पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल यहीं पर मनाया जाता है। यहीं पर एक मुखोटा फेस्टिवल है, ये भी सेलिब्रेट किया जाता है। यहीं पर एक युद्ध फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किया जाता है। ये सब कहां से रिलेटेड? उत्तर अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड। सीएम और गवर्नर हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। उगते हुए सूरज का राज्य अरुणाचल प्रदेश को ही कहा जाता है। इतनी चीजें क्लियर है सबको यहाँ तक। ईस्टर्न स्टेट जो है हमारे देश का, सबसे ईस्टर्न जो स्टेट है वो आपका अरुणाचल प्रदेश ही है, ठीक है। ओके नेक्स्ट नेक्स्ट बात करते हैं भाई यहाँ पे क्वेश्चन नंबर। अच्छा ये दर्रे देखो यहाँ पर सारे दिए हुए हैं, लेकिन अभी मैं ये आपको नहीं कराने वाली हूँ, ये आप लोगों को पीडीएफ में दे दिए जाएंगे, तो सारे दर्रे आपको खुद से कराने हैं। अच्छा पीडीएफ भी आपको 2-3 दिनों से नहीं मिल रहा है ना? ओके एक्चुअली माइंड स्लिप हो जाता है, क्लास खत्म होते ही बस ध्यान से उतर जाता है। आज मैं याद से सारे पीडीएफ जो है ना आपको शेयर कर दूंगी, डोंट वरी। ओके चलो हाँ जी नेक्स्ट बात करते हैं भाई, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात है? 1896 का जो अधिवेशन है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वो किस चीज के लिए जाना जाता है? क्या हुआ था उस टाइम पर? क्या इस अधिवेशन में सबसे पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया था, या फिर पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया था, तिरंगा झंडा फहराया गया था? 1896 के अधिवेशन में क्या हुआ था, ये किस चीज के लिए फेमस है ये वाला जो अधिवेशन है आपका? आंसर बताएं जल्दी से क्या हो जाएगा। ओके प्रेडिक्शन का आंसर है ए, आरोही का नेट गायब हो गया है। वैन कार्डिनिनी, क्या अजीब सा नाम है, ओह चलिए आंसर बताएं जल्दी से इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो बच्चे आंसर कर रहे हैं उनकी बहस गई पानी में, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया था, राष्ट्रीय गीत जो कि कौन सा है हमारा? वंदे मातरम है, वंदे मातरम, जो कि किसकी रचना है? तो ये है बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना है ना, बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना है जो राष्ट्रीय गीत है हमारा। और ये हमने कहां से लिया है? आनंद मठ से लिया है। आनंद मठ किसकी रचना है? बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना है। एक्चुअल में क्या है ना, 1937 तक जो है
हमारा जो राष्ट्रीय गीत था वही राष्ट्रीय गान भी हुआ करता था, उसी को राष्ट्रीय गान भी बोला जाता था। फिर उसके बाद में आपका जो है राष्ट्रीय गान आता है, और 1947 के अंदर उसे अपनाया गया था। तो 1947 में जब राष्ट्रीय गान अपनाया जाता है आपका, उससे पहले तो यही था। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन सभी को? ओके ओके, हाँ जी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 23। देखिए, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल इज कॉल्ड द लिबरेटर ऑफ द इंडियन प्रेस? हाँ आप दिख रहे हो मिस्टर चैन, दिख रहे हो, क्यों बेचैन हो रहे हो? बिल्कुल आप दिख रहे हो। ठीक है, तो आंसर बताएंगे भाई जल्दी से, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ओके, इंदु का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता पूछा जा रहा है, किसे कहा जाता है? मिस्टर चैन का आंसर बी है, वैन कॉर्डिना। ओके, एक तो नाम अजीब है, आरोही, प्रोडिक्शन, शालिनी, मिस्टर चैन, सबका आंसर बी है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही है। सर चार्ल्स मेटकाफ जो है उन्हीं को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। ठीक है, सर चार्ल्स मेटकाफ की बात करते तो ये भारत के ना गवर्नर जनरल भी रह चुके, कब से कब तक? 1835 से लेकर 1936 तक, कुल कितने 10 से 11 साल है जो कि भारत के गवर्नर जनरल के रूप में भी काम कर चुके हैं। इन्होंने ही प्रेस को फ्रीडम दिलाया था। जब हम प्रेस की बात करते हैं तो ये किस आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 19A में आता है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स भी रिलीज किया जाता है, जो लास्ट ईयर इंडेक्स रिलीज किया था उसमें इंडिया की रैंक थी 142, और टॉप पे कौन सी कंट्री थी यहाँ पे? नॉर्वे। यानी कि हमारे देश में ना प्रेस को बहुत ज्यादा फ्रीडम नहीं दिया जाता, जो मीडिया है वो वही चीज दिखाते हैं जो कि उनको बोला जाता है ना, वो सच्चाई नहीं दिखा सकते हर फील्ड में, जैसे कि सरकार को ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हम, इससे लोग भड़क जाएंगे। लेकिन नॉर्वे के अंदर ऐसा नहीं होता है, नॉर्वे के अंदर जो मीडिया है उसको फुल्ली सपोर्ट किया हुआ है। इसी इंडेक्स के अंदर बात करते हैं, सबसे नीचे यानी कि नीचे से टॉप किसने किया था, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे नॉर्थ कोरिया। अब तो आपका आ जाएगा अफगानिस्तान भी, है ना, क्योंकि ये ऐसी कंट्रीज हैं जहां की मीडिया जो है इन जो बोला जाता है बस वही दिखाती है, इनको 1% भी आजादी नहीं होती है, तो फिर मीडिया की जरूरत ही क्या है? किम जोन उन आके खुद ही ना भाषण देने लग जाए, ये हुआ है आज देश में और ये होने वाला है, इसमें मीडिया की क्या जरूरत है फिर, है ना, ऐसा ही कुछ होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। बारदोली छिड़ा जो कि एक स्थानीय तूफान है और जूट की खेती के लिए उपयोगी होता है, यह किस राज्य से संबंधित है? ये आपसे सवाल में पूछा जा रहा है, करेक्ट आंसर बताएंगे भाई जल्दी से, यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका? यस, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और कोई? मिस्टर चैन, वैन, आरोही, सबका आंसर ए आ रहा है, कोई तो अलग आंसर करो। चलिए देखिए, ठीक है, सबका आंसर ऑप्शन नंबर ए, सबकी बहस गई पानी में। असम है करेक्ट आंसर, असम। तो असम के अंदर ना बारदोली छेड़ा ये क्या माना जाता है, यहाँ पर एक लोकल स्टॉर्म होता है और ये एक मौसम होता है। ठीक है, और इसी मौसम के अंदर क्या होता है, जूट की खेती की जाती है। कहाँ पर की जाती है? असम के अंदर की जाती है। जब भी हम बात करते हैं जूट की, तो जूट का जो प्रोडक्शन किया जाता है ये सबसे ज्यादा कहाँ होता है? वेस्ट बंगाल वाले एरिया में होता है। अच्छा, जूट के लिए कौन सा रिवॉल्यूशन लाया जाता है, कौन सी क्रांति से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन। कौन सा रिवॉल्यूशन है? गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन है, जिसमें जूट की खेती के बारे में बताया गया है। इज इट ओके? ठीक है, अच्छा, अभी क्या हुआ था, 2019 के अंदर एक इंडेक्स रिलीज किया जाता है जर्मन वॉच के द्वारा, जिसमें ये बताया गया था कि क्लाइमेट, जो क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स है, ठीक है, तूफान जहां पर सबसे ज्यादा आते हैं, जहां पर सबसे ज्यादा साइक्लोन्स आते हैं, सबसे ज्यादा यू नो डिजास्टर्स वगैरह आते हैं, तो 181 कंट्रीज में से एक लिस्ट यहाँ पे रिलीज की जाती है, जिसके अंदर इंडिया पूछा जाए कौन से नंबर पे था, तो ये फिफ्थ नंबर पे था भाई। ठीक है, ये था क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, क्लाइमेट को लेकर के जो रिस्क लिया जाता है वो सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो इंडिया इसमें 5वें नंबर पे आया था आपका। ठीक है, हाँ भाई, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, वह अधिनियम जिसके द्वारा कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के बीच शक्ति पृथक्करण की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। द एक्ट बाय विच अ मेजर स्टेप वॉज टेकन इन द डायरेक्शन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी।
आंसर क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताएंगे, विच इज योर करेक्ट आंसर. देखो, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में जो पावर्स डिस्ट्रीब्यूशन का काम किया गया था ना, उसके लिए पहले एक एक्ट लाया जाता है, और वो एक्ट पूछा जाए आपसे कौन सा लाया गया था, तो ये एक्ट था 1781. कौन सा था? 1781, जिसके तहत एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के जो पावर्स है उनको सेपरेट कर दिया गया, उनको डिवाइड कर दिया गया, उनको अलग अलग पावर्स दी गई थी यहाँ पर. ठीक है, तो इसके लिए एक्ट कौन सा था? 1781 था. ओके, नाउ नेक्स्ट. हाँ जी, जान पियर हॉजेस रेखा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जान पियर हॉजेस लाइन है इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग. गलत बहुत कर रहे हो भाई, ध्यान से करो क्वेश्चन. हाँ मिस्टर शैन, बहुत क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं जल्दी से. देखो, इस रेखा की जब हम बात करते हैं तो ये वाली जो लाइन है आपकी, ये एक इमेजिनरी लाइन के रूप में जानी जाती है. क्या है? एक इमेजिनरी लाइन है, एक काल्पनिक रेखा है, जो कि 1829 के अंदर खींची गई थी सुंदरबन डेल्टा की के अंदर. आपको नॉर्थ वाला जो एरिया है वहीं पर इसके लोकेशन देखने को मिलती है. ठीक है, अच्छा, सुंदरबन डेल्टा कहाँ पर बनता है? वेस्ट बंगाल में. सुंदरबन नाम आते ही वेस्ट बंगाल याद रखेगा. यहाँ पर एक जिला पड़ता है जिसका नाम क्या हो जाएगा? 24 परगना. 24 परगना, यहीं पर आपको इसकी लोकेशन मिलती है. तो इस हिसाब से जो हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए वो क्या? सुंदरबन होना चाहिए. यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी हो जाएगा आपका सही आंसर. इज इट ओके? आई होप ऑल दीज पॉइंट्स आर क्लियर टू एवरीवन. कोई भी डाउट हो तो प्लीज मुझे मैसेज पिन कर दीजिएगा कि मैम ये डाउट है. ठीक है, नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 27, उल गुलान विद्रोह किससे संबंधित है? ये क्या है? उल गुलान जो रिबेलियन हुआ था आपका, इसको नाम दिया गया था ये. तो बेसिकली ये कौन सा विद्रोह था? संथाल था, मुंडा था, भूमिज विद्रोह था, खरवार विद्रोह था. करेक्ट आंसर क्या होगा? हाँ जी, देखिए, झारखंड क्या होता है ना, झारखंड के अंदर जो जो छोटा नागपुर पठार वाली जो जगह, जहां से दामोदर नदी निकलती है, वो पर्टिकुलर जो जगह, यहाँ पर एक वॉर होता है, और ईयर कौन सा था? 1899 था. ठीक है, तो ये जो वॉर हुआ था किसका नेतृत्व में हुआ था? बिरसा मुंडा जी के नेतृत्व में. बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ था. इसी वजह से लोग क्या समझते हैं कि आंसर बी होगा, गई भैंस पानी में. नहीं, आंसर क्या होगा? भूमिज विद्रोह. भूमिज विद्रोह हुआ था क्योंकि वो पूरा का पूरा जो विद्रोह था वो भूमि को लेकर किया गया था. ठीक है, इसके अंदर काफी सारी वुमेन्स ने भी पार्टिसिपेट किया था इस विद्रोह के अंदर, और ये सब जमींदारों के हक के लिए किया गया था अंग्रेजों के खिलाफ. अंग्रेजों ने काफी सारे टैक्स इम्पोज कर दिए थे यहाँ पर. ठीक है, तो उन सभी चीजों को कम करने के लिए एक विद्रोह है जो यहाँ पे हो जाता है, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ था. तो भूमिज विद्रोह था, इसका नाम याद रखिएगा, भूमिज विद्रोह, नॉट मुंडा विद्रोह. इज इट ओके? हाँ जी, ठीक है, चलिए. मैम सुजावा ठीक हो रही, मतलब मैं समझी नहीं क्या कहना चाह रही हूँ. चार गलत हो गए हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. हाँ, बस इतना ध्यान रखिए कि जो क्वेश्चन आप गलत कर रहे हो वो कोशिश करो कि लिख लो, दोबारा से उन क्वेश्चन को गलत ना करो. ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 28 पे. चिश्ती सिलसिला एक सूफी सिलसिला है जो कि चिश्त कस्बे से शुरू हुआ है, तो ये चिश्त कस्बा जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है आपका? आंसर बताएंगे जल्दी से इस क्वेश्चन का क्या होगा. एंड गाइज प्लीज सेशन को लाइक एंड शेयर भी करते चले. एक काम करते हैं, छोटा सा टारगेट है 40 लाइक्स का, ज्यादा नहीं है, सिर्फ 12 लाइक्स और दूर है 10 लाइक्स, यानी कि है ना, मोटा मोटा 10 लाइक्स और है. तो फटाफट से वो 10 बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक नहीं किया वो जल्दी से सेशन को लाइक कर दें. ठीक है, नाउ चिश्त सिलसिला क्या है? एक सूफी सिलसिला है जो कि चिश्त कस्बे से शुरू हुआ है, और ये जो चिश्त कस्बा है ये कहाँ पर आपको मिलता है? तो ये मिलता है अफगानिस्तान के अंदर. अफगानिस्तान जिसे कि हार्ट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है, इसी को हार्ट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है. तो यहाँ पे एक चिश्ती कस्बा है, ठीक है, जो कि कहाँ, एक प्रोविंस के अंदर मिलता है. अफगानिस्तान के अंदर एक प्रोविंस है हिरांत नाम का, वहीं पर ये कस्बा एस्टेब्लिश किया जाता है 1930 के अंदर. आपसे सवाल में पूछा जा सकता है कि इसकी स्थापना किसने की थी? तो आंसर याद रखिएगा, इशाक समी नाम है उनका, इशाक शमी. इसके जो स्थापना है किसके द्वारा की जाती है? इशाक शमी के द्वारा की जाती है. ओके, हाँ हाँ भाई मिस छाया, आज हम इस टाइम क्लास ले रहे हैं, बिल्कुल आज इस टाइम क्लास ले रहे हैं.
रोहित ठाकुर का आंसर सही हो रहे हैं। ठाकुर साहब बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। चलिए भाई, इस क्वेश्चन से सारी चीजें हो गई है आगे। अच्छा, अफगानिस्तान की बात आई है तो अफगानिस्तान से कुछ पॉइंट्स याद रखिएगा। अभी रिसेंटली करंट क्या पॉइंट याद रखना, अभी क्या हुआ है, अफीम की खेती को बैन कर दिया है। अफीम की खेती को क्यों कर दिया है, किसानों ने लाल फूल की कटाई शुरू कर दी है और अफगानिस्तान के जो अंदर तालिबान जो है उन्होंने कहा है कि अगर आप लोगों ने लाल फूलों की कटाई को जारी रखा तो हम आपके खेतों को जलाकर राख कर देंगे और आपको जेल के अंदर पकड़ के बंद कर दिया जाएगा। तो जिन फूलों की कटाई उन्होंने की है उन फूलों से क्या बनाया जाता है, हेरोइन बनाया जाता है और अफीम बनाया जाता है। इसके अलावा अफगानिस्तान की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा सलमा डैम मिलता है आपको, सलमा डैम जिसे कि फ्रेंडशिप डैम के नाम से जाना जाता है। यहीं पर आपको शहतूत डैम भी मिलता है। इन दोनों डैम के अंदर जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वो किसका है, इंडिया का इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक पॉइंट्स। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं भाई। नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 29, वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने वाले को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। ये दिया जाता है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के सेक्टर में। ठीक है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट कब आता है, काफी बार करा चुकी हूं मैं। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट आता है 1972 के अंदर। अभी हुआ क्या है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के अंदर कोई भी ऐसा पर्सन जो अदम्य साहस दिखाता है और एनिमल्स के लिए वेलफेयर का काम करता है तो उन्हीं को यहाँ पर क्या है, सम्मानित किया जाता है। तो कौन सा वाला जो अवार्ड है वो यहाँ पे दिया जाता है उनको, ये आपसे सवाल में पूछा जा रहा है। आंसर क्या होगा, ओके, शालिनी आरोही प्रोडिक्शन, मिस्टर चैन, सन्नी, इंदु, ओके 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 ओके, ठीक है। मोस्टली बच्चों का आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार है, क्या है ये, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार है। तो ये वाला जो अवार्ड है वाइल्ड लाइफ सेक्टर के अंदर दिया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, हाँ जी, क्वेश्चन क्लियर है यहाँ तक सभी को। चलिए ठीक है, सो गाइज आज का सेशन हम यहीं पर दी एंड करते हैं। आज के लिए बस इतना ही करेंगे, अब हम मिलते हैं कल। एक्चुअली आज जो है ना आप लोगों की आज ज्यादा सुविधा नहीं है यहाँ पर क्लास लेने के लिए इसी वजह से। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पर ध्यान करते हैं और मिलते हैं कल सुबह नहीं सॉरी शाम को। अच्छा, क्लास का जो टाइमिंग रहेगा ना वो आपको बता दिया जाएगा। आप मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए, यहाँ पर मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगी। यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा क्लास का। इसके अलावा मेरा टेलीग्राम चैनल है पिंकी सरोहा के नाम से, यहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हो। इस चैनल को ज्वाइन कीजिए, यहाँ पर डेली की क्लासेस का पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। ठीक है, और जाने से पहले प्लीज एक बार से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि मेरी आगे आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, चलिए ओके गाइस, हम मिलते हैं, अब हम कल शाम को मिलते हैं। क्लास का टाइमिंग बता दिया जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली जो है क्लास का टाइम यही रहेगा 9 से 10। ठीक है, चलिए ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द वेरी बेस्ट। सनी आपको ऐड कर लेंगे, ठीक है, मैंने अभी आज सुबह से व्हाट्सएप देखा नहीं, मैं सबको ऐड कर दूंगी, डोंट वरी, बस आप लोग नोट कर लीजिएगा, मैं आज सबको ऐड कर दूंगी।